हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। सो आज का वीडियो अगेन गाड़ी से स्टार्ट हो रहा है, तो आप समझ ही गए होंगे कहीं जा रही है कहीं से आ रही है ना। सो आज हम जा रहे हैं, तो पहले तो हैप्पी महाशिवरात्रि सबको। और मतलब आप लोग जरूर शेयर करना कि कैसे रहा, क्या किया, आप क्या क्या करते हैं इस दिन। सो फिलहाल हम अभी जा रहे हैं मंदिर। थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए लेट हो गया क्योंकि इन्होंने लेट किया है रेडी होने में। हम बहुत जल्दी रेडी हो गए थे, बट स्टिल अभी 10 बज रहा है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा लेट हुआ है। तो अभी जाके पहले पूजा करेंगे और हम जा रहे हैं उस मंदिर। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी इसकी, कि क्या स्टोरी है। और मैं हूँ, हस्बैंड है, उधर भतीजी है, और उधर है इसके पीछे, मेरे पीछे है मेरी बहन छोटी वाली और बेटू है ना। सो इतने लोग हम मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे घर। तो मंदिर का वीडियो मैं शूट करूंगी जरूर, अगर पॉसिबल होगा तो, अदरवाइज मैं अब आपसे घर पे बात करूंगी। तो हम ये मंदिर के रास्ते में ही थे, और ये बोड़ा महादेव का मंदिर है, हमारे घर के थोड़ा सा दूर है। सो हम यहीं पर हमेशा शुरू से ही जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है हमें क्योंकि हमारी शादी हो गई थी, शायद तब से ही जा रहे हैं, उससे पहले भी एक बार गए थे हम। सो यहाँ की मेमोरीज़ ये हैं कि हाँ, मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। सो कोशिश मैं हर शिवरात्रि को करती हूँ कि मैं यहीं पर जाऊँ। सो हम यहाँ पे आ गए, काफ़ी भीड़ थी यार यहाँ पे। पहले ये मंदिर बहुत छोटा हुआ करता था, लेकिन अब जो है इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो घूमने के लिए हमें रेडी रहता है, कभी इसका ये नहीं होता कि हाँ ठीक है बाहर रोना धोना, टच फुट बहुत आराम से जाता है और बड़े आराम से ही चला आता है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रही थी प्रसाद के जगह पर, तो मैं जो है खुद से ही रखने लगी थी, और मैंने खुद से कलेक्ट कर लिया कि यार भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैंने खुद से ही रख लिया। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। कम से कम हमें 2-2.5 घंटे यहाँ पे लाइन लगाने में लग गए थे क्योंकि इतनी भीड़ थी। और यहाँ पे ये भी आ गए हैं पीछे से कि मैं भी रखवा देता हूँ। सो मंदिर तो आप देख ही लोगे कितना अच्छा है। और बाकी आज शिव जी की पूजा होती है, तो जहाँ भी शिव जी स्थापित होते हैं वहाँ पर तो इंसान जाता ही है। तो इसकी स्टोरी ये है कि मतलब मैं शादी से पहले एक बार यहाँ गई थी, तो मैंने कहा था भगवान मतलब अगर जब भी मैं आऊँ तो शादी हो चुकी हो मेरी, मैं तभी आऊँ। किसके साथ? कि मेरे हस्बैंड के साथ ही, ठीक है। तो फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम गई थी तो मेरी शादी हो गई थी, तब मैं गई थी, ठीक है। और फिर अब तो बेबी भी हो गया, सो ये है कि मेरी सुन लेते हैं यहाँ पर, तो ठीक है। और यहाँ पे जो है पूजा का सामान देने वाले भैया बहुत ज़्यादा लेट कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर हम आ गए थे तो आप लाइन देख सकते हो, और बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ आपके साथ एक लड़की रहती है, वो कौन है कौन है? तो मेरी जेठ की लड़की है जो शुरू से ही मेरे साथ रहती है। यहाँ पर हम घूम रहे थे क्योंकि हस्बैंड ने लाइन लगा ली थी, तो वो वहाँ पर थे। और ये आप मंदिर देख सकते हो कितना अच्छा है। थोड़ी बहुत मैंने रील्स भी बनाई थी, तो अगर आपको फॉलो करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। मेरी आईडी आपको मेरे अबाउट में मिल जाएगी, प्लस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप चेक कर। वहाँ पे सुमन मतलब मेरी बहन जो है वो उसको लेके गई है घुमाने के लिए। ऑलरेडी यार बच्चे हैं तो थोड़े से हो जाते हैं, और यहाँ पे ना इस वाले मंदिर में बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगती है, सो इस वजह से आप देख सकते हो इतनी लंबी लाइन लगी है यार। पंडित जी हरि ओम मनोजूत इंटरेस्ट ही नहीं है उसे लोगों को देखने में। वो बस लोग देख कर लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये जो है आराम से हर चीज़ कर लेता है, पता नहीं सारी चीज़ें ऑब्जर्व करता है, देखता है, पता नहीं क्या करता रहता है, बस इंजॉय करता है बाहर जाने का।
काफ़ी शिवलिंग है वहाँ के, जिस मंदिर में हम जाते हैं। सो काफ़ी बड़े हैं और अच्छा मंदिर है काफ़ी। और दूसरी बात, यहाँ जो लोग आते हैं बहुत ज़्यादा रश तो नहीं करते, हमेशा बहुत अच्छे से लाइन लगा कर ही आते हैं, तो भीड़ भाड़ होती बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उस भीड़ को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो कोई भीड़ नहीं लगती। माँ की आँखों का तारा। फिर उसके बाद हम दूसरे जो वहाँ से होके फिर हम जो चारों तरफ घूमते हैं वहाँ पे चले गए। और मैंने थोड़ा सा साड़ी के साथ ब्लाउज डिफरेंट पहना, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है भाई, वो पहले वाले चाहता ही नहीं है, फिट नहीं आ रहे साड़ी के, तो मैं कॉटन के ब्लाउज में डजंट हैव एनी इंटरेस्ट, वही पहन लेती हूँ। और वेट भी काफ़ी बढ़ गया है, प्लीज कोई कमी नहीं करेगा मेरे वेट को, थोड़े धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। सो एकदम से तो जाएगा नहीं, हम जो है दो तीन घंटे मंदिर में ही लग गए थे, इधर से उधर घूमते घूमते आप इसको देख सकते हो कितने आराम से घूम रही है। तो फिर मैंने इनको दे दिया कि आप बहुत देर खड़ी हो, मैं छोटी सी बहन थी अंदर सब ले रखी थी, लेकिन फिर भी इसका ये छोटे से दो साल पहले अपना जाना शुरू किया था, तो उस दिन भी शिवरात्रि ही थी और काफ़ी आप लोगों ने सपोर्ट किया। मेरी गलती कि मैं रेगुलर नहीं थी, जिस वजह से आज जो है चैनल थोड़ा सा मतलब और एज कम्पेयर टू अदर्स ग्रो नहीं कर पाया, बट स्टिल कर पाएगा। और ये दोनों यहाँ झूले पे झूले थे तो मैंने सोचा चलो इन्हें भी शूट कर लेती हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर ज़रूर।